बाद जो ये किया जा रहा है इसका कोई उद्देश्य क्या है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे युवा हैं उनकी जो अंदर जो कुरीतियां हैं, जो उनके अंदर बुराइयां हैं, उनको किस प्रकार दूर किया जाए। जो आज के युवा अपने मार्ग से भट चुके हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है यहाँ सबसे ज़्यादा युवा हैं, लेकिन वहीं विडंबना ये है कि आज का युवा अपने मार्ग से भटक चुका है। उसी भूले हुए मार्ग को याद करवाने के लिए, जो मार्ग स्वामी विवेकानंद जी का था, जो उद्देश्य उनका था कि किस प्रकार इस भारत को जगतगुरु बनाया जाए, उस स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए आज ये सैकड़ों युवा इकट्ठे हुए हैं और स्वामी विवेकानंद जी के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहे हैं और जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। किस प्रकार आज आपने ये रैली क्या किया? आज के इस कार्यक्रम में मंच के माध्यम से अनेक सारे जो सदस्य हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के, उन युवाओं ने अपने अपने विचार रखे। बहुत सारे युवाओं ने नशे के प्रति लोगों को अवेयर किया, समाज में फैलती हुई अश्लीलता के बारे में, गन कल्चर के बारे में लोगों को अवेयर किया। संस्थान की ओर से साध्वी बहनों ने स्वामी विवेकानंद जी का जो आदर्श है, उनका जीवन चरित्र है, उनके माध्यम से प्रेरित किया और उसके बाद ये रैली के माध्यम से, सोशल स्लोगन के माध्यम से समाज को जागरूक किया जा रहा है। मेरा नाम साध्वी हरिंदर भारती है। आज जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, क्या मकसद है? आज आप जैसे सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस हम उसके ऊपर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं यहाँ पे। तो आज का जो हमने यह कार्यक्रम रखा है सिर्फ युवाओं को जागृत करने के लिए रखा है कि युवा अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है और वह उस उत्साह के साथ भर कर के अगर आगे चलेगा तो इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है आज कि जो युवा इस देश को दे सकता है तो वो दे सकता है। इसी के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए हमने यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। वो नशों से बचकर रहें, अपने समाज के अंदर और भी बहुत सारी बुराइयां हैं जिनसे आज युवा ग्रस्त है तो उन बुराइयों से वह छूट सके, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। एक रैली भी निकाली जा रही है इसी के उपलक्ष्य के अंदर सभी को जागृत करने के लिए।